आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रवार को ताज महोत्सव के मुक्ताकाशी मंच पर नृत्य, गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिला। ताज महोत्सव में हो रहे कार्यक्रमों का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। मुक्ताकाशी मंच पर 80 के दशक के गीतों की धूम रही। मंच पर प्रस्तुति दे रहे संगीतकार ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। एक से बढ़कर एक पुराने गीतों को प्रस्तुत किया गया। ताज महोत्सव में तमाम रंग दिखाई दे रहे हैं। मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लहर दिखाई दे रही है। मंच पर एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वहां मौजूद दर्शकों को गदगद कर दिया है। कलाकारों द्वारा किए गए लोक नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुँच रहे हैं। ताज महोत्सव के मुक्ताकाशी मंच पर तमाम ऐसे कलाकार हैं जो पहली बार अपनी प्रस्तुति देने आए हैं। ऐसे कलाकार बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी कला को प्रस्तुत करना यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती है। अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा कथक डांस है। हाँ, कथक है। हाँ, पिछली 2 साल से हुआ नहीं था, उससे पहले किया था। उसे भी कथक ही किया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो हम आगरा में रहते हैं, जहाँ पे ताजमहल है, शाहजहाँ ने बनवाया था ये। और यहाँ पे अपनी कला प्रस्तुत करना बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। कि इतने बड़े मंच पर हम पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ा नर्वस भी हैं, बाकी तो सिंगिंग करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज गाना गाया था, ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो। ताज महोत्सव में दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ताज महोत्सव में दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। लोग खरीदारी भी करते दिखाई देने लगे हैं। गोपाल शर्मा, सी न्यूज, आगरा।